प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग महत्वपूर्ण विकल्प का पाठ नंबर सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 5 और 6 के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों को छांटा है, जो 2018 के परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और आईएमपी हैं। तो आप इनको ध्यान से देखना है, और सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको उसका आंसर बताना है, और यदि आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं आपको उसको आंसर बता दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा उपकर लगता है। तो चलिए बच्चों आपको बताना है शिक्षा उपकर कहाँ लगता है। तो आशा करता हूँ आपको आंसर पता होगा, और यदि नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दे आयकर पर। तो जिनको नहीं पता था वो इनको याद रखेंगे, दे आयकर पर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा उपकर की प्रचलित दर क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा। तो आप बताइए कितनी होगी। चलिए ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। तो शिक्षा उपकर की प्रचलित दर होती है 3%। तो आपको याद रखना है कि शिक्षा उपकर की प्रचलित दर 3% ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु हैरो का सूत्र क्या है। तो आप लोगों ने इनके क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो सभी लोगों को हैरो का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो सभी को आता होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होता है इसका। तो इसका आंसर जो है वो है रूट के अंदर s ब्रैकेट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये हैरो का सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यक्ष करों में क्या आता है। प्रत्यक्ष करों में आते हैं, तो आपको ऑप्शन भी हो सकते हैं या आपसे पूछा भी जा सकता है। तो प्रत्यक्ष करों में आपको याद रखना है आंसर में आयकर भी प्रत्यक्ष कर में आता है। आयकर का मतलब होता है जो आप कमाते हो उस पर सरकार टैक्स लेती है। उसके बाद संपत्ति कर, ये भी प्रत्यक्ष करों में आता है, जितनी आपकी संपत्ति होती है उस हिसाब से टैक्स लिया जाता है। इसके बाद व्यवसायिक कर, व्यवसायिक कर का मतलब होता है जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उस पर भी सरकार टैक्स लेती है। आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी आपसे सरकार टैक्स लेती है, फिर उसके बाद आपका वेतन बनाती है, जो व्यावसायिक कर कहलाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित अवधि के बाद अर्जित ब्याज को मूलधन में सम्मिलित करके अर्जित कुल ब्याज खालिस्तान कहलाता है। तो आपको ये बताना है यहाँ क्या आएगा। तो आप गैस करेंगे कि क्या आएगा, उसके बाद मैं बताऊँगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए है क्योंकि एक निश्चित समय जो दिया जाता है उसके बाद जो आपका जो मूलधन होता है उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है, और वो अर्जित कुल ब्याज कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से खालिस्तान होता है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और अभी आपकी प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, आपको बताना है पहले कि क्या होगा, कम होता है कि अधिक होता है। तो इसका आंसर है अधिक। तो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, तो वहाँ भी उसमें उसका मान अधिक ही आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा ही साधारण ब्याज से अधिक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घसारे की दर सदैव खालिस्तान होती है। ये बहुत ही साधारण और सभी को आने वाला क्वेश्चन है, तो सभी पे बनना चाहिए ये क्वेश्चन, घसारे की दर सदैव खालिस्तान होती है। तो ये हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी खालिस्तान कहलाती है। ये भी बड़ा ही क्वेश्चन सिंपल है, तो ये भी आना चाहिए। तो चूंकि ये 5 पार्ट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वस्तु की समय के साथ मूल्य में कमी को क्या कहते हैं, तो आंसर है घसारा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शासकीय कर्मचारियों को अपने वेतन के अनुरूप कुछ धनराशि शासन को देनी होती है, उसे क्या कहते हैं।
तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन के अनुसार उनसे कुछ शासन जो है वो धनराशि ले लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, उसे हम लोग कहेंगे व्यावसायिक कर। तो ये व्यावसायिक कर कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो समरूप त्रिभुज समरूप कब होते हैं? आप बताएंगे पहले कब होते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर अब क्या होता है। तो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज हम लोग समरूप कह सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 6 का है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर है, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है पाइथागोरस। इसका आंसर इसलिए पाइथागोरस है क्योंकि ये पाइथागोरस ने कहा था, और ये कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? इसका मतलब ये है कि समरूपता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, समरूपता के लिए पहली शर्त है कोण 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 समरूपता, दूसरी शर्त है कोण कोण समरूपता, और तीसरी शर्त है कोण भुजा कोण समरूपता। तो इस प्रकार से मैंने 12 क्वेश्चन आपके लिए छांटे थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जिसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, क्योंकि परीक्षा आने वाली है, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से दोहराते रहें, और मैंने जितने भी वीडियो डाले हुए हैं आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और सभी को ध्यान से कर सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।